हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं आज का जो ब्लॉग है ये कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक पे है और बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक है। आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने 15,000 रुपये लॉस कर दिया है, और वो हुआ कैसे ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको अपना मैसेज दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को मेरे फ़ोन में अर्ली मॉर्निंग में क्या मैसेज आया, क्या मेल आया, मैं वो दिखा रहा हूँ, तो एक बार आप देख लीजिए। गाइज, आप लोग ये देख रहे हैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ अपना मेल। तो गाइज देख रहे हैं, ये मेरा मेल है, ठीक है। मैं इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज देखिए, ये मेरा मेल है और जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मैंने देखा कि मेरे पास मेल आए हुए थे। ये आप देखेंगे, ये मेल है और ये मेल आया था मॉर्निंग में मेरे पास 5:15 पे। आप देखेंगे ये मेल आया था ICIC बैंक से और इसमें लिखा हुआ है कि मेरा 10,000 रुपीज़ जो है वो विड्रॉल हो चुका है और 5,158 रुपीज़ बचा हुआ है। उसके नीचे ही तुरंत दूसरा मेल था, ये भी 5:15 ही मेल था, दोनों मेल एक साथ ही आए थे 5:15 पे ही, और इस पर लिखा हुआ था मेरा 5,000 रुपीज़ भी विड्रॉल हो चुका है और इसमें मेरे पास बचा है 158 रुपीज़। और उसके बाद जब मैं सुबह 10 बजे उठा और मैंने अपना मेल चेक किया, मेल चेक करने के बाद मैंने उनको कंप्लेन किया कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक मेल भेजा, उन्होंने मेरा डेबिट कार्ड सारी चीज़ें ब्लॉक कर दिया। उन्होंने भेजा कि वी हैव ब्लॉक योर डेबिट कार्ड 6 जुलाई, और ये चीज़ आप देख रहे हैं, और ये उन्होंने मुझे कंप्लेन नंबर भी दिया ICICI बैंक से। तो गाइज़ ये चीज़ें अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ और ये चीज़ के बाद मैंने क्या एक्शंस लिए और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सेफ रहेंगे अपने बैंकिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ एकदम डिटेल से कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब उठा मॉर्निंग में, मैंने अपना मेल चेक किया। जब मैंने अपना मेल चेक किया तो मैंने मेल में देखा कि मेल में मेरे पास 2 मेल आए हुए थे। एक था यू हैव कैश विदड्रॉल 10,000 रुपीज़, और दूसरा मेल भी यही था कि कैश विदड्रॉल किया 5,000 रुपीज़। जब मैंने ये देखा कि मैंने अपना कैश विदड्रॉल किया तो सबसे पहले मेरे को लगा कि मे बी ये मेरा ATM में भी किसी चला गया है या किसी ने मेरे ATM से निकाल लिया है। मैं फटाफट से अपने पर्स के पास गया, मैंने पर्स में देखा तो पर्स से मेरा ATM वैसा ही था, और मैंने आज तक कभी अपना ATM कभी किसी को दिया नहीं, कभी किसी को के साथ अपना ATM पिन भी शेयर नहीं किया। तो आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ कैसे? तो मैंने तुरंत ही अपना नेट बैंकिंग खोला, मैंने नेट बैंकिंग खोल के चेक किया तो मैंने देखा कि मैंने भी सेम एंट्रीज पाई कि मेरा ATM के थ्रू पैसा विड्रॉल हुआ है 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ 2 बार में। तो गाइस मैंने देखा कि ATM मेरे पास है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेरा ATM का कार्ड है वो ATM कार्ड मैंने लास्ट 2.5 महीने से कभी भी कैश विड्रॉल करने के लिए यूज़ ही नहीं किया। तो आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल मिलाया, मैंने उनको बताया सारी चीज़ें, उन्होंने मेरा नेट बैंकिंग और जो मेरा डेबिट कार्ड है दोनों को ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे 5 से 8 डेज़ दीजिए, 5 से 8 डेज़ के बाद हम आपको बता पाएंगे कि केस में क्या है, नहीं है, कैसे है। और उन्होंने मुझे बोला कि साथ ही अब जाइए आप FIR करवाइए, FIR की एक कॉपी आप नियरेस्ट ब्रांच में दीजिए। तो मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ मैंने FIR कराने की कोशिश किया, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आपकी FIR नहीं होगी, आप पहले जाइए अपने बैंक में, वहाँ से ATM की CCTV फुटेज निकलवाइए, सारी चीज़ें कीजिए, फिर आइए, फिर हम FIR करेंगे। तो गाइस मैं फिर अपने ब्रांच आया, ब्रांच वालों ने बोला कि FIR करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हमें केस दीजिए। उन्होंने मुझे केस नंबर भी दिया साथ में कि आपका केस नंबर है, आप 7 से 8 डेज़ बाद आइए, आप पता कीजिए। गाइस इस पूरी चीज़ में हो सकता है मेरा जो 15,000 रुपीज़ हो सकता है कि छोटा अमाउंट लग रहा हो सकता है किसी को बड़ा अमाउंट लग रहा हो, पर गाइस मेरे कंडीशन में अगर मैं अपनी 15,000 रुपीज़ बात करूँ तो मेरे लिए ये अमाउंट मैटर करता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, बहुत मेहनत से यहाँ पे बैठ के काम करता हूँ, उस काम करने के थ्रू मेरे पास पैसे आते हैं, और वो पैसा मेरा बिना मेरी गलती के, बिना किसी चीज़ के अगर मेरे से छिन जाए या मेरे से फ्रॉड हो जाए तो सही बताएं तो आज मेरा इसी से पूरे दिन मन नहीं लगा। मैं सोच भी रहा था कि काम करूँ नहीं करूँ, बट सीरियसली मैं आप यकीन मानिए, आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सेम चीज़ आपके साथ होगी तो हो सकता है आपका भी मन नहीं लगे उस चीज़ में। तो गाइस मेरे साथ ये जो पूरा केस हुआ पूरे दिन तो मेरा मन नहीं लगा, फिर मैंने सडनली सोचा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना के भी डाल दूँ ताकि आप लोग भी जानें किस तरीके से हो रहा है और आप क्या करें इसकी सेफ्टी के लिए। तो गाइस मैंने जितना समझा मुझे जो अब तक लगा, आप देखिए मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ उसको तो मुझे पता ही नहीं वो हुआ क्यों, किस वजह से, जबकि देखिए डेबिट कार्ड भी मेरे पास ही है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद ये फ्रॉड हुआ है। अपना ATM कार्ड या नेट बैंकिंग या ये सारी चीज़ें सेव करनी है तो गाइस आप अपने पिन को या ATM पिन को या नेट बैंकिंग पिन को लगातार चेंज करते रहिए, हर 2-2.5 महीने में सेफ रहिए। ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप पास कर सकते हैं सभी लोगों, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो बाकी लोग हैं उनको पता लगे कि
इस टाइप का भी फ्रॉड हो रहा है इंडिया में, और ऐसे भी फ्रॉड से आजकल एक से एक माइंडेड चोर हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आता इतना माइंड अगर वो लोग चोरी में लगाते हैं, इतना माइंड अगर किसी अच्छी चीज़ में लगाए तो आज कहाँ से कहाँ इंडिया को पहुँचा सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें लगाकर चोरी करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो वैसे ये चीज़ें। बाकी मेरा ये कंसर्न रहेगा कि अगर आज मेरा 15,000 हुआ है और मैं चुप बैठ जाऊँ और मैं शांत रहूँ तो कल को हो सकता है मेरा ये 1.5 लाख या 2 लाख पे भी चला जाए। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो लगा कि शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए अपने कजन्स को या अपने जो भी फैमिली रिलेटिव्स हैं, आप उनको पास कीजिए वीडियो ताकि वो लोग देखें और समझे कि इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो कभी भी अगर अपना कार्ड को कहीं भी स्वाइप कर रहे हैं, कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर हो जाइए कि जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो जगह सेफ हो। और ऐसी यही चीज़ें, बाकी लाइफ है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, डाउनफॉल एंड अपफॉल। मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा इसलिए वीडियो बना दूँ और मैंने वीडियो बना के ये चीज़ें कर दी हैं। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।